आज हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के रीमेक फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। क्या बोला? तो दोस्तों, बहुत पहले से ही हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ इंडियन सिनेमा, साउथ कोरियन सिनेमा और हॉलीवुड के रीमेक्स बनाते हुए आ रही है। अरे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल पहले सुन लेता ना, 2 मिनट का। और इनकी ये समझदारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और पता है, हर मंथ आपको किसी न किसी मूवी का रीमेक बॉलीवुड इंडस्ट्री दिखा देती है। सह लेंगे थोड़ा सा। और इनको लगता है कि ये पहाड़ तोड़ने जैसा काम कर रहे हैं। अरे भाई, कब तक रीमेक बनाकर जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे? सही बात है, कुछ अच्छी मूवी भी बना लो। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है, कुछ रीमेक ना बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से पिट जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर भी बॉलीवुड वालों का हौसला बरकरार रहता है। क्या बोला? खैर, शाहिद कपूर को तो आप सब जानते ही होंगे। इनकी एक मूवी आई थी कबीर सिंह, कमाई के मामले में धागा खोल दिया था। और इस फिल्म ने 379 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अरे भाई, पता है कबीर सिंह की ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अर्जुन रेड्डी को देखा था। अच्छा, हमको सिखा रहा है। चलो, कमाई की बात आपके और मेरे बीच हो ही रही है, तो सलमान खान के कैरियर की रेलगाड़ी पटरी पर लाने का काम भी एक साउथ फिल्म ने ही किया था। क्या आपको इस साउथ फिल्म का नाम याद है? नहीं। नहीं याद है? चलो मैं बताती हूँ। तो भाई, पोकरी फिल्म थी साउथ की, कुछ याद आया? पोकरी का हिंदी रीमेक वांटेड ने भाई जान को रातों रात स्टार बना दिया था। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं। जिसकी मजबूती आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। और सलमान भाई ही क्यों, आमिर भाई को भी ले लो, आमिर खान की किस्मत को भी 4 चांद लगाने वाली एक साउथ फिल्म ही थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? और वो मूवी थी गजनी। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। क्या बोला? जो शायद आप लोगों में से कुछ ही लोगों को ये बात पता होगी, गजनी फिल्म ने उस जमाने में 100 करोड़ की कमाई की थी। जो कि बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में इतना कलेक्शन करना। इनफैक्ट ये वही मूवी थी जिसने 100 करोड़ के क्लब वालों की शुरुआत की थी। सही बात है। खैर, ये तो रही किस्मत चमकाने वाली मूवी। अब मैं आपको ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से पिट गई। बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म सहजादा को तो आप सब जानते ही होंगे। हाय हाय, इतना सुकून। सहजादा भी साउथ की एक रीमेक थी अल्लू अर्जुन की। और ये मूवी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर और बहुत ही बुरी तरह से पिट गई। फैंस ने इस फिल्म को भी नहीं पसंद किया। यहाँ तक कि फैंस ने ये तक बोल डाला कि असली शहजादा तो सिर्फ अल्लू अर्जुन ही है और इनकी एक्टिंग बहुत ही बकवास है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो, हम लोग मान ही लेते हैं कि कार्तिक भाई न्यू खिलाड़ी थे, उनसे शायद एक्टिंग ना बनी हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? बट हम लोग असली खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी कुमार मतलब अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म अभी हाल ही में सेल्फी रिलीज हुई थी, जो कि साउथ की फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक थी। और ये भी मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। यहाँ तक कि इसका कलेक्शन भी रोते रोते जाके कहीं कुछ करोड़ रुपए कमा पाए थे, जो कि फैंस को ये फिल्म कुछ रास नहीं आई थी। चलिए, जब खिलाड़ी कुमार के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, अक्षय कुमार सर की पिछले साल मतलब 2022 की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी सब फ्लॉप चली गई थी। क्या बोला? हालांकि राम सेतु कुछ ठीक ठाक थी, जो कि लोगों को कुछ पसंद आई थी, बट वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। सही बात है।
जैकलीन दीदी को तो आप सब जानते ही होंगे। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु में भी जैकलीन दीदी इन्हीं के साथ नजर आई थी और इनकी एक्टिंग के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, पब्लिक को बहुत ही अच्छे से पता है कि जैकलीन दीदी एक्टिंग कितना अच्छा करती है। लेकिन मुझे पता है कि जैकलीन दीदी आइटम सॉन्ग भी ठीक ठाक कर ही लेती है। खैर, इससे हमको और आपको कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब आते हैं पॉइंट वाली बात पे। क्या बोला, क्या बोला? तो अब भाई बात यह है कि बॉलीवुड कब तक ऐसी रीमेक बनाकर जनता को बेवकूफ बनाता रहेगा। सही बात है। देखो भैया, कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि बॉलीवुड में रीमेक्स बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जब किसी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है या फिर किसी एक्टर को किसी दूसरे सिनेमा की फिल्म पसंद आ जाती है तो वो उसके राइट्स खरीद लेता है और फिर मिर्च मसाला डालकर रीमेक परोस देता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग रीमेक बोलकर टाल देते हैं। खैर, इससे हमें क्या, बॉलीवुड रीमेक बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा और जनता बेवकूफ बनती रहेगी। क्या बोला, क्या बोला? तो दोस्तों, रीमेक फिल्मों के बारे में आपका क्या कहना है जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक शेयर भी कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।